खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है। हमारी फेस पे हमारी आंखें ही जो हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। कॉम्प्लेक्शन चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो वो उतना मैटर नहीं करता है अगर आपका फेस काफी अट्रैक्टिव है, और फेस पे आंखें खास तौर से। जिन लोगों की आईलैशेस बड़ी होती हैं उनका फेस ऑलरेडी इतना अट्रैक्टिव होता है कि बस जी करता है देखते ही चले जाएं। वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स हेल्दी ब्यूटी और मैं श्रद्धा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड डीआईवाई होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ, जो पहले मैं अपने पे ट्राई करती हूँ देन आप तक पहुंचाती हूँ। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है आप अपनी आईलैशेस को किस तरीके से नेचुरल तरीके से ग्रो कर सकते हैं, थिक बना सकते हैं और उनको लंबा कर सकते हैं। ऐसे एक सीरम जो DIY जो इजीली आप बना सकते हैं, एक ऐसा सीरम मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किसकी वजह से हमारी आंखों की पलकें गिरती हैं और उसको किस तरीके से आप केयर करें कि वो थिक दिखें और ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आईलैशेस जिन लोगों की देखा गया है कि पहले ठीक होती है बट समय जाते जाते उनकी आंखों की पलकें जो होती हैं वो झड़ना चालू हो जाती है, मतलब कि गिरने लगती है और काफ़ी थिन हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने की होती है, जैसे कि गिरने के भी कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जैसे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है या क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। फिर आप अपनी आंखों को बार बार ईचिंग करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो आंखों की पलकें होती हैं वो झड़। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से सीरम बनाना है, क्या क्या हमको इसमें लेना है। हाफ स्पून यहाँ पे कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल जो होता है ये मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ ये ब्रेकेज से भी बचाता है। जो हमारे लैशेस टूट के गिर जाते हैं उसके लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, ये थिक बनाने का काम भी करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर हम ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल जो होता है इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है लेंथ बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, 1 स्पून आपको ऑलिव ऑयल लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम विटामिन ई के 2 कैप्सूल ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इवियॉन ले रही हूँ, इवियॉन जो ग्रीन कलर के कैप्सूल्स हैं यहाँ पे 2 कैप्सूल ले रही हूँ। इसको कट करके ये विटामिन ई ऑयल निकाल के आप इसमें ऐड कर दीजिए। तीनों चीज को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और एक कंटेनर में ही बनाइएगा जिसको कि आप इसको बार बार यूज कर सकें। इसको बनाकर आप जहां पे आप अपना नाइट टाइम रूटीन करते हैं बस इसको वहां रख लीजिए। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। रात में सोने से पहले आप इसको, आपका अगर कोई मस्कारा खत्म हो चुका है उसका ब्रश है तो उसको अच्छे से तरीके से साफ कर लीजिए। आप चाहें तो उस ब्रश से इस सीरम में डिप करके उस ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईलैशेस पे। या तो कि नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। आप इसको सिंपल अपने फिंगर्स पे लीजिए। किस तरीके से आप अपनी फिंगर्स पे लेंगे और इसको हल्का सा रब करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको रब करके आप अपने आईलैशेस पे अप्लाई कर लीजिए। सिंपल तरीके से लगाना ही है ना तो कैसे भी लग जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। अब देख लेते हैं कि किस कारण से, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी आईलैशेस जो हैं वो गिर रही हैं, मतलब कि थिन होती जा रही हैं, और कैसे तरीके से आप उसको और थिक बना सकते हैं। अगर आप मेकअप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि रात में सोने से पहले आप अपने मेकअप को रिमूव करके ही सोइए। एक तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ में आपके आईलैशेस पे मस्कारा लगा हुआ है तो उसके मतलब वो झड़ेंगी कम। उसको साफ करके सोइए। अब साफ करने का तरीका सबसे इजी, जरूरी नहीं है कि आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आपको वो रखना जरूरी है। मैं तो सबसे ज्यादा यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल का।
अगर आपको मेकअप रिमूव करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए और उसको आप अपनी आईलैशेस पे धीरे धीरे से मसाज करिए और उसके बाद आप एक कॉटन से पोंछ लीजिए बिल्कुल हल्के हाथों से, और उसके बाद आप अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। ऑयल से क्लीनिंग करने के बाद आप अपने फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं। किसी भी माइल्ड फेस वॉश का यूज करिए जो कि आप अपने फेस पे अपनी स्किन के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को हल्के हाथों से अपनी उंगलियों से अपनी आंखों पे हल्के से मसाज करिए और उसके बाद आप क्लीन कर लीजिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी मेकअप रिमूवर की, जिसमें कि आप सिंपली एक ऑयल के थ्रू भी आप अपने फेस को और अपनी आंखों को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बालों की, अपनी स्किन की केयर करते हैं, पर हम अपने आंखों की, आईलैशेस की केयर करना थोड़ा सा भूल जाते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे बाल बढ़ें तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईलैशेस भी ग्रो करें और थिक बने, लंबी हो, तो उसके लिए भी हमको उसकी उतनी ही केयर करना ज़रूरी है। और जैसे आप अपने बालों में मसाज करते हैं, अपनी स्किन पे मसाज करते हैं, वैसे ही आपको अपनी आंखों पे भी हल्की उंगलियों से मसाज करना ज़रूरी है। मैंने आपको सीरम बताया है, इसी को आप अपनी फिंगर्स पे लेके हल्का सा रब करके, जब ये थोड़ी सी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाता है, तब आप अपनी जब पलकों पे लगाएं, उसी उंगली से आप इसको हल्का सा मसाज कर लीजिए। मतलब कि आप बोल सकते हैं 1 मिनट हल्का सा मसाज करके और ऐसे ही छोड़ दीजिए। उससे भी आपके आईलैशेस बड़े होंगे, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और उसके कारण उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, थिक बनेगी। ये जो सीरम है, ये आप अपनी आईलैशेस के साथ साथ आप अपनी आईब्रोज पे भी यूज कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मली लेती हूँ, अपनी आईलैशेस पे लगाती हूँ, साथ ही साथ अपनी आईब्रोज पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हम तो चाहते ही है ना कि यहाँ के भी हमारे बाल जो है वो थिक हों, ब्लैक हों, और वो भी मतलब सही तरीके से ग्रो करें। इसीलिए मैं दोनों तरफ उसको यूज कर लेती हूँ, और आप भी कर सकते हैं उसको। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना मेकअप करते हैं तो मेकअप करिए, बट जो आप मस्कारा यूज कर रहे हैं, आप वो देखिए कि वो वाटरप्रूफ ना हो, क्योंकि वाटरप्रूफ की वजह से भी हमारी आईलैशेस जो होती हैं वो टूटती हैं। तो ये कोशिश करिए, बनती कोशिश कि जो आप मस्कारा यूज करें वो वाटरप्रूफ ना करें, क्योंकि कभी कभार के लिए तो ठीक होता है कि आप कभी कभार अगर आपको मेकअप करना है या आपको मस्कारा का यूज करना है तो कभी आप यूज करें कि वाटरप्रूफ कर रहे हैं तो चलेगा, बट जो रेगुलर बेसिस पे ज्यादा यूज करते हैं उनको वाटरप्रूफ नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपको फॉल्स आईलैशेस लगाना का बहुत शौक है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट मैं नॉर्मली ऐसे नहीं लगाती हूँ, या बहुत कहीं मुझे पार्टी में जाना हो तो ही मैं अप्लाई करती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप बनती कोशिश कम यूज़ करिए, क्योंकि उसमें जो ग्लू होता है उसकी वजह से भी हमारे जो आईलैशेस होती है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें भी केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी आईलैशेस टूटने के काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है। आईलैशेस को ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मस्कारा लगा होता है और हम लोग अगर रिमूव भी कर रहे हैं मस्कारे को किसी रिमूवर से, तो हम लोग बहुत जोर जोर से प्रेस करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से भी आपकी जो आईलैशेस हैं, पलके हैं, वो टूट सकती हैं, क्योंकि इतनी नाजुक होती हैं, तो अगर आप उस पर इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो टूटेगी। इसीलिए इस तरीके से नहीं, आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे प्यार से अपने मेकअप को रिमूव करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आता है कि आप जब ग्रीन टी बनाए पीने के लिए, तब उसमें जो टी बैग डालते हैं उसको ऐसे ही मत फेंकिए, उसको निकाल के जब वो हल्का सा गर्म होता है आप अपनी आंखों पे थोड़ी देर ऐसे ही रख दीजिए। उससे भी आपकी आईलैशेस जो होती हैं वो थिक होती हैं और काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील कराता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दिन हो या रात हो, जब भी आप ग्रीन टी पी रहे हैं तब आप ये कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं, तो ऐसा मत करिए। ग्रीन टी तो बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए भी, तो आपको पीना ही चाहिए। तो जब भी आप बनाएं तब आप उसको अपनी आँखों पर रख लें।
तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है कि आप अपनी आईलैशेस को किस तरीके से थिक बना सकते हैं, किस तरीके से केयर कर सकते हैं कि जो आपके आईलैशेस जो हैं वो टूटे नहीं, और उसको किस तरीके से लंबा बना सकते हैं। तो होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कोई नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।